बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अपने बयानों और दिव्य दरबार की वजह से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक के मंच पर एक लड़की चढ़ गई। उसने हजारों की भीड़ के सामने धीरेन्द्र शास्त्री को फ्लाइंग किस दे डाली। यह देख शास्त्री झेप गए। इस पूरे वाक्य का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से अपना पर्चा निकलवाने पहुंची एक लड़की बातचीत के दौरान माइक पर धीरेन्द्र शास्त्री से कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप मुझे बड़े क्यूट लगते हो, इतना सुंदर कैसे दिखते हो। जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना सिर पीटते हुए कहा, सुंदरता के चक्कर में हम इतने ट्रोल हो रहे हैं, रोज हमारी शादियां हो रही हैं, इसलिए बहन जी आजकल हमने श्रृंगार करना ही बंद कर दिया है। मंच पर घुटने के बल बैठी लड़की कहती है, आप बिना श्रृंगार के ही इतने सुंदर दिखते हो। यह कहते कहते अपने दोनों हथेलियों को होंठों से लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री की ओर फ्लाइंग किस दे डालती है। हालांकि सामने बैठी लड़की से पूरी बातचीत के दौरान कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री थैंक यू बहना, थैंक यू माय डियर सिस्टर कहते नजर आते हैं। बता दें कि प्रख्यात कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पिछले दिनों यह भी दावा किया था कि पत्र लिखकर लड़कियां धमकी दे रही हैं कि अगर आप बारात लेकर नहीं आए तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अपने चुलबुले और मजाकिया अंदाज में शास्त्री ने बताया कि ऐसे ऐसे लवेरिया भरे पत्र आ रहे हैं, इसलिए एक वीडियो जारी किया कि इस तरह की कृत्य ना करें, गुरु और माता पिता की आज्ञा मिलते ही हम शादी कर लेंगे और जल्द ही शहरा सजाने वाले हैं। हालांकि शास्त्री ने शादी की तारीख का जिक्र नहीं किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही विवाह बंधन में बंधेंगे। उन्होंने अपनी माँ से लड़की ढूंढने का भी बोल दिया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान खुद शास्त्री ने यह बात बताई। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें खबर बेबाक के साथ।